बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले वीडियो में आपको खुश आमदीद करता हूँ। इस वीडियो में हम बेसिकली इस वीडियो में हम फ़ोटो पर एडिट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। इसमें जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ही वीडियो में मैं आपको 3 परफेक्ट टूल बताऊँगा जिसमें हम फ़ोटो पर एडिट यानी कटिंग कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, स्केप कर सकते हैं किस फ़ोटो को। आपको सामने नज़र आ रहा है कि कोई मेरा पेज ओपन नहीं है। उसके लिए अगर आपने जब अपनी फ़ोटो पे काम करना है तो उसके लिए आपने अपने इस एरिया में डबल क्लिक करना है या फिर फाइल पे जाके ओपन पर क्लिक करना है या फिर कंट्रोल प्लस ओ को दबाना है तो आप इजीली अपनी बाय डिफॉल्ट जगह पर पहुंच जाएंगे। मैं दोबारा बता देता हूं कि डबल क्लिक किया हम यहां पे अपने लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल मैं ये ब्राइडल को कटिंग करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं इस बैकग्राउंड को चेंज करूं तो इसके लिए मुझे बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कुछ टूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे और इस फ़ोटो को मुझे स्केप करना पड़ेगा। इससे पहले जब हम इस फ़ोटो को अडोब फोटोशॉप में लेके आते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड लेयर होता है तो उसके लिए हमें, मैंने आपको बताया, इसकी कॉपी लेनी पड़ेगी, डुप्लीकेट लेयर, ओके। और हम बैकग्राउंड लेयर पर कभी काम नहीं करते ताकि हमारी पिक्चर ख़राब ना हो और इसको हम यहाँ से हाइड कर देंगे ताकि इजीली हम अपनी डुप्लीकेट लेयर पर ये देखें काम कर सकें, ओके। अब हम यहाँ पे इस फोटो को स्केप करेंगे, इस ब्राइडल को, ताकि हम अपना बैकग्राउंड वाला जो बैकग्राउंड है वो इजीली चेंज कर सकें। सबसे पहले इसके लिए 3 टूल होते हैं, लूजी टूल है, पॉलीगन है और मैजिक है, मैग्नेटिक है। सबसे पहले हम लूजी टूल को इस्तेमाल करेंगे। इस टूल को इस्तेमाल ऐसे करेंगे कि हम अपने ब्राइडल के जहाँ से कटिंग करनी है वहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। बटन को, अपने माउस के बटन को क्लिक करते हुए आपने कटिंग वाले कॉर्नर पर बढ़ते जाना है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली इजीली कटिंग करता जाएगा फोटो को, ठीक है। इसका रिजल्ट अब हम अभी देखेंगे। ये काफ़ी फास्ट टूल है लेकिन इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता मार्केट में। आप इसका रिजल्ट जहाँ से शुरू किया था वहीं पे जाके हमने ख़त्म कर दिया। अब हम दोबारा न्यू लेयर लेंगे, ओके करेंगे एंड अपनी पीछे वाले लेयर पर जाएंगे, एरो को सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए स्केप करते हुए फ़ोटो को यहाँ पे लेके आएंगे। तस्वीर हम बड़ी करते हैं, कंट्रोल प्लस टी करेंगे और हम अपनी फ़ोटो को कुछ बड़ा करते हैं, कुछ रिजल्ट देखते हैं कि इसका कटिंग कुछ अच्छी नहीं नज़र आ रही हमें। ये देख सकते हैं आप, ब्राइडल जब ज़रा झुलरी आ जाती है तब ये टूल सही नहीं रह जाता, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम सेकंड टूल इस्तेमाल करते हैं। सेकंड टूल इस्तेमाल करने के लिए आप राइट क्लिक करें और पॉलीगन पर क्लिक कर दें। ये टूल बेसिकली बेहतर है पीछे वाले टूल से। आप इस टूल को दबाएंगे नहीं, इसको एक दफ़ा ही क्लिक करना पड़ेगा और दूसरी दफ़ा इसको दोबारा क्लिक करना पड़ेगा तब ये देखें एक लाइन इस पर लग जाएगी। बाय क्लिकिंग इसको हम इजीली एक एंगल पर लाइन लगा सकते हैं। पीछे वाले टूल में हम क्या कर रहे थे कि एक दफ़ा ही माउस को प्रेस करते हुए माउस को आगे पीछे लेके जा रहे थे और वो चीज़ सिलेक्शन हो जा रही थी, लेकिन इसमें हमें क्लिक क्लिक करना पड़ रहा है जिससे हमारी सिलेक्शन
हो रही है। अगर हम मुझसे ये देखें गलती से लाइन कहीं और हो गई, तो उसके लिए मुझे अपनी बैक यहाँ पे जाने के लिए मुझे बैक स्पेस को दबाना पड़ेगा। बैक स्पेस इजीली मैं बैक स्पेस को दबा के अपने पीछे वाली लाइन पे पहुँच गया। ये देखिए इजीली मैं इसको क्लिक करके जहाँ से शुरू किया वहीं पे आके आपने एंड करना। अब दोबारा मैं ऐसे करता हूँ, एरो का टेल यूज करता हूँ, दोबारा अपनी प्लेयर पर जाता हूँ, कंट्रोल प्लस माइनस के जरिए मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, दोबारा इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और कंट्रोल प्लस टी के जरिए सिलेक्शन की और इसको मैंने साइज बड़ा किया। जूम टूल के ज़रिए मैंने इसको यहाँ से जूम किया। ये देखें पीछे वाले टूल जो हमने पहले किया उससे बेहतर हमें नज़र आ रहा है इसका रिज़ल्ट। अब हम थर्ड टूल की तरफ जाते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक टूल, जो कि काफ़ी बेस्ट टूल है, काफ़ी तेज़ी से काम करता है। इसके लिए ये ऑटो रेंज बनाता है अपने ऑब्जेक्ट की जो हम सेट कर रहे हैं। उसके लिए हमें फर्स्ट क्लिक करना पड़ेगा और बस अपनी बाउंड्री जहाँ जहाँ से हमने कटिंग करनी है उसके साथ चलते जाना है और ये ऑटोमेटिकली छोटे छोटे डॉट बना रहा है जिसको हम टैग कहेंगे। ये डॉट बनाता जा रहा है और इजीली जहाँ पे कुछ ज़्यादा काम आ जाता है, जहाँ पे कंप्यूटर को समझ नहीं आती कि मैं किधर से क्या करूँ, तब ये उसको सेव कर देता है और हम इजीली उसको क्लिक कर सकते हैं। देखें मैं ख़ुद भी इसे इजीली क्लिक कर रहा हूँ और ये भी खुद जा रहा है। ये देखें यहाँ से इसको स्किप कर दिया, इसको समझ नहीं आई, मैं बैक स्पेस गया, यहाँ से इसको अब मैं कमांड दे रहा हूँ। ठीक है, दोबारा मैं ये देख सकते हैं आप, मैंने इस वीडियो में आपको कटिंग के हवाले से तीन टूल्स के बारे में बताया जो कि काफ़ी बेस्ट थी। आपको पता चल गया होगा आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये इतनी ज़्यादा परफेक्टली नहीं हुई, इंशाल्लाह हम इसे अगली वीडियो में इसको और ज़्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि अच्छी कटिंग कैसे करें और अच्छे टूल कैसे, किस तरह अच्छे से अच्छा टूल उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में।